दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आज का अर्जुन, दिल और घायल फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि इन तीनों फिल्मों में से किस फिल्म ने बाजी मारी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं आज का अर्जुन फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। आज का अर्जुन सन 1990 में आई एक क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जयप्रदा, राधिका, सुरेश ओबराय, किरण कुमार, अमरीश पुरी, ऋषभ शुक्ला, आसरानी और अनुपम खेर नजर आए थे। इस फिल्म को केसी बोकारिया ने डायरेक्ट किया था, से प्रोड्यूस भी उन्होंने किया था। इस फिल्म की कहानी पी वासु ने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स अनिरुद्ध तिवारी ने लिखे थे। इस फिल्म के लिए म्यूजिक बप्पी लहरी ने दिए थे और इसके लिरिक्स अनजान ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 140 स्क्रीन के साथ 10 अगस्त सन 1990 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 2 करोड़ 70 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 7 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 12 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 90 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने 13 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म को 4.7 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1990 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। अब जानते घायल फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। घायल सन 1990 में आई एक क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में सनी देओल, मीनाक्षी सेशाद्री, राज बब्बर, मौसमी चटर्जी, अमरीश पुरी, ओम पुरी, कुलभूषण खरबंदा, शब्बीर खान, सुदेश बेरी, अनु कपूर, जैक गौड, शरद सक्सेना, डीप ढिल्लो, शफी इनामदार और विजू खोटे नजर आए थे। इस फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था, इसकी कहानी भी उन्होंने लिखी थी। इस फिल्म के डायलॉग दिलीप शुक्ला ने लिखे थे। इस फिल्म को धर्मेंद्र ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म के लिए म्यूजिक बप्पी लहरी ने दिए थे और उसके लिरिक्स अनजान और इंदावर ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 120 स्क्रीन के साथ 22 जून सन 1990 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 2 करोड़ 50 लाख था। इस फिल्म ने इंडिया में 9 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 18 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 1 करोड़ 45 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने 16 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म को 7.6 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1990 की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। अब जानते हैं दिल फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दिल सन 1990 में आई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में आमिर खान, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, पद्मा रानी, सईद जाफरी, शम्मी, आदि ईरानी, देवेंद्र वर्मा, सत्येंद्र कपूर, राजेश पुरी, किशोर भानुशाली और दिनेश हिंगू नजर आए थे। इस फिल्म को इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया था, से प्रोड्यूस किया था इंद्र कुमार और अशोक ठकेरिया ने। इस फिल्म की कहानी राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स कमलेश पांडे ने लिखे थे। इस फिल्म के लिए म्यूजिक आनंद मिलिंद ने दिए थे और इसके लिरिक्स समीर ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 128 स्क्रीन के साथ 22 जून सन 1990 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 2 करोड़ 30 लाख था। इस फिल्म ने इंडिया में 10 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 14 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 1 करोड़ 32 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने 18 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म को 6.7 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1990 की नंबर वन हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। तो दोस्तों, इन तीनों फिल्मों में से आमिर खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म दिल ने बाजी मारी थी। वैसे दोस्तों, आपको इन तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई थी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।